गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं भाई भाई साहब? आप ठीक है डॉक्टर? महान डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर जी आप? अर्षी मेहता का वैष्णव जन, वैष्णव जन, ओके सुनिए सुनाइए। सती बाबू, मैंने देखा है कि जितने भी महान व्यक्ति हैं उनकी महानता का बुनियाद जो रहा है, उनकी महानता का बुनियाद केवल रहा है उनके महान विचार। और मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी ये लिखा था कि मेरे प्रिय दोस्त नरेंद्र, आप क्या करो, जिस तरह से हमारे राष्ट्र गान है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र का हमारा जानवर है, राष्ट्र का हमारा संविधान है, इसीलिए मनुष्य के जीवन में इस संविधान की चर्चा करो, जिससे कि व्यक्ति दिन रात उसका प्रयोग करे और उसके जीवन में इतना ज्ञान आ जाए कि वो महान हो जाए। और वो भजन केवल हर्षी मेहता द्वारा रचित है, वैष्णव जन। प्यारे दोस्तों, मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फिलॉसफी का अध्ययन किया हूँ, आपको मालूम है। वेस्टर्न हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन, एंड्रू कार्नेगी, नेपोलियन हिल, अर्न नाइंगल, इवन स्टीव जॉब्स, इवन बिल गेट्स, इवन एलोन मस्क, और जितने भी महान वहाँ के लोग हुए, अब्राहम लिंकन, सो एंड सो फोर्थ, नाम गिनाते समय मेरे घंटों बीत जाएंगे। लेकिन जब मैं कविताएं पढ़ी, मैं एक सरमन का आपको कई बार सुनाया हूँ, डेसिडरेटा। क्या सुनाया मैं? डेसिडरेटा ऑफ मैक सरमन, गो प्लैसिडली एमिड नॉइज एंड हेस्ट एंड सो एंड सो फोर्थ। ये बिल्कुल वैष्णव जन की तरह एक वेस्टर्न पोम है। दूसरा मैंने आपको सुनाया रुडयार्ड किपलिंग का इफ। वो बॉम्बे में ही पैदा लिए थे और थे ब्रिटिश। इफ कैन कीप योर हेड एंड सो एंड सो फोर्थ। ये सब इतने ज्ञान से भरे हुए कविताएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसको जीवन में अमल कर ले तो उसका जीवन अमर हो जाएगा। और उसके बराबरी में जुर्रम जुरी करते हुए अगर कोई ऐसा भजन है जिसे पोम कहते हैं, तो हर्षी मेहता रचित है वैष्णव जन। तो उसको सुनिए, कितने ज्ञान की बात है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करे कैनी रे, सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करे कैनी रे, बाच काच मत निश्चल लाके धन धन जननी तेनी रे। वो परोपकारी होता है, किसी की चिगली शिकायत नहीं करता है, हमेशा दुख में लोगों का सहयोग करता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सौने बंदे निंदा न करे कहनी रे, बाच काच मच निश्चल लाके धन धन जननी तेरी। सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैनी मातरे, सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैनी मातरे, जिह्वा थके असत्य ने बोले पर धन न उझाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जैनी दृढ़ वैरागी जिन मन मारे, मन मोह माया व्यापे नहीं जैनी दृढ़ वैरागी जिन मन मान रे, राम नाम सुतानी रागी सकल तिरस्ती तन मारे। प्यारे दोस्तों, इसमें इतना ज्ञान की बातें हैं। राम नाम का जो ताना लगने का मतलब ये है कि कर्मवीर होते हैं। मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ, मैं ये राम की मर्यादा पुरुषोत्तम का उपचार करता हूँ तो उनके विचारों से, कृष्ण का करता हूँ तो उनके विचारों से। विचार ही प्रधान है, ये साइंटिफिक रीजनिंग है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, वो मशीन है, वो उसका प्रोग्रामिंग कैसा हुआ, इसलिए राम इतने आराध्य हैं। जेसस को भी लोग आराध्य मानते हैं, बहुत लोगों को आराध्य मानते हैं। सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, सबको एक नज़रिए से देखो, भेदभाव नहीं हो। हिंदुस्तान का संविधान भी यही कहता है, जाति पाति धर्म मजहब क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, ये लस्ट नहीं होनी चाहिए। लस्ट का मतलब काम क्रोध मदलोह मोहिषा द्वेष नहीं होनी चाहिए। सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैनी मात्रे, दूसरों की महिलाओं को माता पिता की तरह सम्मान करो। पर धन न उझाले हाथ रे, लोभ लालच छोड़ दो, किसी के धन पर बुरी निगाह मत जा। वन लोभी से कपट रही छे काम क्रोध निवारा रे, भन दर्शयो तिन दर्शन करता कुले को तिन ताजा रे। मैंने मोदी जी को बार बार लिखा है कि इसको राष्ट्र भजन कर दो, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, इसमें जीवन जीने की कला है
और मैंने इसीलिए इसको पढ़ा है, समझा है, सोचा है और प्रयोग करता हूँ। कभी कभी आप देखते हैं कि मैं क्रिटिकली किसी का शिकायत करता हूँ, वो शिकायत नहीं है, एनालिसिस है। जो व्यक्ति अच्छा था आज बुरा हो गया, दुख होता है। इसलिए बोलता है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुख के उपकार करे मन अभिमान नाने रे, सहज लोक मां सौने बंदे निंदा न करे के नीरे। ये निंदा नहीं है। आपके लैब में एक्सरे मशीन है बहुत सारे, अगर किसी का एलिमेंट्स का वो पिक्चर देता है तो निंदा नहीं है, एनालिसिस है। क्या है वो? एनालिसिस। तो यही है हर्षि माता का वचन, महत्वपूर्ण है, ज्ञान से भरा हुआ है, और इसको राष्ट्रगान या राष्ट्रभजन होना चाहिए। राष्ट्रगान तो नहीं होगा, राष्ट्रभजन होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो अपने आप को किसी धर्म से जोड़ता है, पंथ से जोड़ता है, सीखना चाहिए। पर पीड़ा तो समझो, मिस प्रेम करो, सहयोग तो करो, करुणा में तो बनो, दयामान तो बनो, अहंकार को तो त्यागो, दूसरों की माताओं बहनों का सम्मान तो करो, दूसरे के धन पर लोभ मत मानो, कब्जाबाजी नहीं करो। देखो यहाँ बहुत कब्जेबाज लोग हैं, देखिए घुमाइए, बहुत लोग कब्जा कर ले रहे हैं किसी का, कब्जेबाज हैं लोग यहाँ बहुत आते। अरे वो लोभ लालच मत करो भाई, ये कब्जा उब्जा क्षणिक है, ये तुम्हारे पास कभी रहेगा नहीं। पाप के बुनियाद पर खड़ा हुआ दुनिया का कोई भी इमारत ढह जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियाद बालू की भीत होती है। तो हर्षि मेहता जी का भजन बहुत ही उपयोगी है। और ये सामने किसका घर है? ये योगी पंडित वीरेंद्र योगी का है, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी के, जंगलों में रहते। न लोभ है, न लालच है, न काम है, न क्रोध है, निश्चय है, न दोष है, महापुरुषों की संगति करते हैं। और इसीलिए इसमें एक और जोर देता हूँ, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या पातू डाल दे दया करे सब कोई, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। हर्षि मेहता जी तो और अच्छे रास्ते दिखाए हैं। थैंक यू सर।